देते रहते हैं जाँच के नाम पर। और अभी तक कितनी जाँचें करा ली हैं, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी पाई नहीं पाई है। 6 साल हो गए हैं ने यही कभी जांच कराने का बात करते हैं, किसी को धमकाने की बात करते हैं। अभी भी ये चुनाव में चल रहा है कि लंबा समय है, इस तरह की धमकियां देते हैं। तो देखिए, जनता धमकियां में आने वाली नहीं है। जनता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज हो चुकी है, और जैसे ही अभी तो ये नगर पालिका हो गए, ऐसे ही लोकसभा के चुनाव आएंगे तो बिल्कुल जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। अब जैसे एक ब्रजभूषण का मामला चल रहा है, तो केसरगंज के जो सांसद हैं लगातार पहलवान आरोप भी लगा रहे थे, तो क्या लग रहा था आपको कि इसमें इतना डिले क्यों हो रहा? देखिए, न्यायालय में चल रहा है मामला, वो तो न्यायालय देखेगा। देखिए, मतदान शुरू हो चुका है और हमारी अपील है जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। और इसलिए जिताना जरूरी हो गया है, इस भ्रष्ट सरकार को अब हटाने की ज़रूरत है। तो पूरी तरह से इस भ्रष्ट सरकार से परेशान जनता हो चुकी है, तो इसलिए हटाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कल डिंपल यादव भी वहाँ पहुँची थी, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा नहीं कि ईमानदारी से चुनाव हो सके, अधिकारी हैं गड़बड़ी कर सकते हैं कुछ। ये देखिए, नौकरशाही के भरोसे ही चुनाव, और इतनी गड़बड़ियाँ कराने का प्रयास करते रहते हैं ना। और ये अगर सही मतदान हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी नहीं जीत सकती है। जिस तरह से कल केशव प्रसाद वो रहे थे इटावा में, उन्होंने कहा कि साइकिल पंचर हो चुकी है, अब जनता जो है टायर ट्यूब भी उखाड़ेगी। देखिए, इन बड़बोले मंत्री तो हैं ही, ये अपने विभागों में कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास तो कर नहीं सकते हैं विभागों द्वारा। यहाँ तक कि किसी को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़बोले मंत्री हैं, केवल ये जनता में यही प्रचार कर सकते हैं, रोजगार दे नहीं सकते हैं। शिक्षा का अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो इनसे सवाल करेगी, रोजगार मांगेगी। तो इसलिए ये केवल भ्रमित करेंगे, और जनता का इनका प्रयास है कि यही टाइट ट्यूब निकालने का काम जनता करती रहे।